एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स पद्मिनी एंड राजीव। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा व्यू होके रखा है, एकदम शाम का टाइम है। अभी हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे, अभी राजीव मैगी बना रहा है, पहले मैगी खाएंगे और फिर बाहर जाएंगे। और आज बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट किया और गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे मेरे को व्लॉग स्टार्ट करना रह गया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। बट अभी आई एम वेल बाय गॉड्स ग्रेस, अभी तबीयत सही है। तो आप पूरा वीडियो को देखना, और ना जब आप लोग वीडियो देखते हो ना तो पूरा देख लिया कीजिए ना, तो क्या है उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग ऐसा करेंगे तो। और अगर आपको मेरा वीडियोस देख के अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाहर इतना सुंदर सा कलर हो के रखा है, एकदम कुछ अलग ही है, पिंकिश हो के रखा है और उसका कलर रिफ्लेक्ट होके इनफेक्ट यहाँ पर्दे में भी आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए व्यू इतना सुंदर है। शाम का टाइम है, शाम का टाइम बहुत ही सुंदर लगता है। तो गाइज, आज है राजीव का दिन खाना बनाने का, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं दो दिन खाना नहीं बनाऊंगी। और राजीव यहाँ पे बना रहा है मैगी। वैसे राजीव को वेजिटेबल डाल के मैगी खाना पसंद है, बट मुझे ना तेल हो जाता है, ऑयल नहीं पसंद, इसके कारण मैंने बोला तुम सिंपल मैगी बना दो, हम ना सिंपल मैगी खा लेंगे। और राजीव का स्टाइल थोड़ा अलग है, पहले वो पानी के में मसाला डाल के मैगी डालता है, लेकिन मैं ना पहले मैगी ही डालती हूँ, फिर मैं उसके बाद ही मसाला डालती हूँ, मतलब मैं पहले मैगी को उबाल लेती हूँ। और यहाँ पे ना आज राजीव ने ही दिया लगा दिया था और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था दिखने में, और लाइट ऑफ करने के बाद तो और सुंदर लग रहा था। और दिया की लौ इतनी बड़ी बड़ी हो रही थी तो ना मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि एक फ़ोटो ले लिया जाए, बहुत सुंदर लगेगा, मतलब वीडियो ले लिया जाए आप लोगों के दर्शन के लिए। तो अभी हम बाहर जाएंगे, राजीव यहाँ पे रेडी हो गया। हाय गाइस, ये देखो हम लोग, मैं थोड़ा यू नो नहा धो के आया, बट क्या बहुत गर्मी लग रही है, सो ये पंखे के नीचे बैठा हूँ एंड उसको बोला कि मेरे को 10 मिनट दे, ठंडा पानी पिला। मेरे को क्या है, अच्छा नहीं लग रहा। अभी देखो ठंडा पानी पीऊँगा, कूल डाउन होऊंगा, फिर चलेंगे। हाँ आप भी बताओ ना कैसे, आप जैसे गर्मी लगती है फिर बीवी गुस्सा दिलाती है तो आप क्या करते हो, बताना मुझे। कोई बीवी गुस्सा नहीं दिलाते, सब हस्बैंड गुस्सा करते हैं, बीवी सब अच्छी होती है। कहाँ जाना है बताओ, जल्दी बताओ। फ्रूट्स खरीदने जाना है मुझे, वो अपने स्पेक लेना है। ओके चलो शॉपिंग करवा दो मुझे। क्यों? मुझे स्पेक F3 कैफे से उठाना है, ठीक है? अच्छा, खरीद के जाना नहीं हूँ। मजाक कर रहे हो, खरीद के ही लाओगे है ना। ओ वाह, राजस्थानी महिला ऐसे ही था, वो लेके घूमते हैं ना। और फिर हम लोग बाहर चले गए थे कैफ़े से राजीव का स्पेक्स उठाने के लिए, और फिर वहाँ पे हम बैठे थे बाहर और ये आ गया। हम असमीज में इसको जिया बोलते हैं, इसका मेरे को इंग्लिश और हिंदी नाम पता नहीं है, फ्लाइजी है मतलब। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था इसका, इसलिए मैंने वीडियो ले लिया था। और ये रोड भी बहुत सुंदर और सुनसान लग रहा था तो मैंने सोचा कि एक क्लिप ले लूँ, इतना सुंदर सा लगता है ना, कोई नहीं होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम लोग गए इन लोगों से मिलने, यहाँ पे ओनू भी है, टाइगर भी है, राजीव टाइगर के साथ खेल रहा था यहाँ पे और हैंडशेक भी कर रहा था टाइगर, मतलब ये राजीव सिखा रहा है इसको हैंडशेक करवाना, इसको आता नहीं था, राजीव ने इसको सिखा दिया है अभी। और पीछे से ये वाले कुत्ते भी देख रहे हो, यहाँ पर है मेरा ओनू प्यारा सा, मुझे दोनों ही पसंद है, ओनू और टाइगर, इन लोगों को हमने खाना खिला दिया था। और अभी हम लोग घर जाएंगे, हम हमेशा इन लोगों से मिलने आते हैं, मिलके ही घर जाते हैं। क्या बना रहे हो आज? अभी मैं पानी पूरी बनाऊंगा तुम्हारे लिए, बिकॉज मुझे भी भूख लग रही है, तुम्हें भी थोड़ा बहुत तीनों एनर्जी तुम्हारा डाउन है,
फिर देखते हैं अगर मेकअप लग फिर खाना खाएंगे, राइस दाल और एक सब्जी वो कौन बनाएगा? मैं प्रिपेयर करके दूंगा, वो तुम बनाओगे, ठीक है? हाँ, अभी पानी पूरी खिला के एनर्जी दे रहा हूँ। यस, ओके। सो आज का ड्यूटी है मेरे हस्बैंड का, सुबह मैगी बनाएं। अभी पानी पूरी बनाने के लिए आलू भी बॉईल कर दिया था, प्याज भी काट रहे हैं, और ये क्या है? अच्छा नहीं, चाकू। ये ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, राजीव को, फिर बोला कि ये वुडन है, अच्छा लग रहा है तो मैं खरीदूँ। फिर मैंने बोला अभी तो है मत लो, लेकिन बोला नहीं मुझे चाहिए, है ना राजीव? तो दिस इज आवर न्यू कटिंग बोर्ड, और राजीव पुराने वाले में नहीं काट, लग गया। इसको ओपन कर लेते, अरे मेरे को कर्ज भी लग गई है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। न्यू कटिंग बोर्ड, कितने रुपए का लिया? दिखा तो दिखा दे। अरे 149 रुपीज। कहाँ से लिया, कहाँ से लिया? डीमार्ट, डीमार्ट, डीमार्ट। अच्छा, तो पुराना वाला अच्छा था, मतलब ये भी अच्छा है, पुराना वाला थोड़ा सा बेस्ट है। लेकिन क्या, काटते काटते मेरा हाथ ही कट गया गाइस। काटते काटते नहीं, फिर ये खोला था, लगा तो है। हाँ, अभी बैंडेड लगाएंगे इसमें, और क्या। तो मेरा, हाँ, बहुत ही ज़्यादा शार्प था वो नाइफ, मेरे को लग गया है। अभी बैंडेड लगाए हैं, राजीव ने बैंडेड लगा के दिया है, क्या ही कर सकते हैं। चलो तुम बनाओ खाना, ठीक है ना? तो ये पानी मैंने रेडी कर दिया है, और राजीव बनाएगा अभी, क्योंकि मुझे कट लग गई तो मैं अभी कुछ नहीं बनाऊंगी। ये हो गया है, अच्छे से काटना। हाँ राजीव, ठीक है ना? क्या ऐसे मत काटो ना, बोर्ड पे काटो, नहीं तो तुमको भी लगेगा। और यहाँ पे हो गया था हमारा पानी पूरी रेडी। अभी पानी पूरी खा के बताते हैं कैसा बनता है। यहाँ पे राजीव पहला पूरी तैयार कर रहा है, हमने ऊपर थोड़ा सा मूढ़ी भी डाला है ताकि अच्छा लगे। और पानी तो वैसे टेस्टी ही बना था, क्योंकि वो पैकेट से ही हमने बनाए थे। राजीव को अच्छा लगा बोल रहा है खा के, अभी मैं भी ट्राई करती हूँ फिर बताती हूँ। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसा लगा वीडियो। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।